कि हम इस आदेश को लेके अपने मंत्री से बात करेंगे, हम अपने सांसद से बात करेंगे, हम अपने विधायक से बात करेंगे, हम अपने जो जिले का अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सपा बसपा की बात नहीं कर रहे, किसने बात कही कि हम भाजपा के अपने जिला अध्यक्ष से बात करेंगे, हम अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लागू करने के लिए, विधायकों से बात किसी ने नहीं बात की, क्या करी नहीं की पता नहीं। लेकिन हम तो खैर कैबिनेट का प्रोसेस किए जा रहे हैं और हम अपना कंप्लीट कर देंगे कैबिनेट का प्रोसेस और अपने उत्तरदायित्व को निभा देंगे, जो वजन जिम्मेदारी मैंने ली है और अनुदेशकों सारे अनुदेशकों के कहने पर नहीं लिए, मैं वो भी साफ कर दूं, सारे अनुदेशकों के हिसाब से, उनके कमेंट, उनके भाव, उनके विचार से, जिन आंखों से सारे अनुदेशकों के नेता मुझसे मिलने आए थे, जिन आंखों से, जिस भाषा से, जिस सम्मान से, जिस प्यार से, उसमें भी उनकी कंजूसी हो गई, उसमें भी उनकी कंजूसी पन आ गया, मैं क्या कहूं। लेकिन मैंने तो, क्योंकि बात बहुत अनुदेशकों की थी, कई बार ऐसा होता है, झाड़ू होती है, संगठन झाड़ू की तरह होते हैं, बिखर जाते हैं, निकल जाते हैं, कुछ तीलियां निकल जाती हैं, हो जाता है, लेकिन हमने अपने दायित्व को निभाया और इसको जितना लीगल प्रोसेस लीगल के हिसाब से किया, आगे भी कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट वाली जिम्मेदारी वो भी कर देंगे और भी जो जिम्मेदारी होगी कर देंगे, क्योंकि हमारा एक शिव कुमार मिश्रा जी शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य को लेके चल रहे हैं, तो उनके दो मुद्दे इस स्पेशल कवरेज न्यूज के पूरे होते हैं, शिक्षा और रोजगार, रोजगार से जुड़ा शिक्षा है, शिक्षा से जुड़ा रोजगार, उनकी दो की है। विक्रम सिंह जी गोरखपुर से आते हैं, बहुत संघर्षशील हैं, रात में वहां से आके किसी तरह से और करके इलाहाबाद पहुंचते थे, लेते थे मुझे, वहां से लेके मुझे छोड़ते थे, लगे रहते थे, ऐसा नहीं है कि वो 18-20 साल के जवान छोरे हैं, लड़के हैं, भागते रहे, शरीर भी है उनका, हमारी भी एक उम्र है, हमारा भी सब कुछ है, ये चीजें समझने की है, सोचने की। लेकिन वो लड़ाई लड़ी, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लगातार, कितनी डेटों पर, आप सबके लिए हाई कोर्ट में खड़ा रहा, कमर हमारी भी है, और ऐसा नहीं है कि शरीर हमारा कोई उसका बना हुआ रोबोट का, लोहे का नहीं बना हुआ है, आयरन मैन में नहीं हूं, आयरन मैन कोई रहा होगा इतिहास, मैं नहीं आयरन मैन हूं, मैं डायबिटिक हूं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं, हार्ट पेशेंट हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वो लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ रहा हूं, कैबिनेट का प्रोसेस भी कर रहा हूं, अपने किस तरह से भाग भाग के सारा कुछ किया, मैंने उन चीजों को पूरा किया, और इस सब के बावजूद जब हम इस देश की शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो रोजगार की बात करते हैं, तो हमारा चैनल, आपका चैनल इस चीज को दिखाता है, इसलिए हम इस पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि तो आप लोग साथ देते हैं। सुरेंद्र दुबे जी का क्या स्वार्थ, मुझे बताइए, सुरेंद्र दुबे जी जैसे व्यक्ति क्या